अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राज सिंह के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आप से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, मैं दिखाऊँगी आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। तो आइए चल के बनाते हैं। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं मिठाई बनाने वाली हूँ और बहुत हेल्दी है, इसको खाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि ज़्यादा मीठा खाने से कोई ना कोई नुकसान, यहाँ पर सब हेल्दी चीज़ें हैं, इनको आप खाएंगे, जितना भी खाएंगे आपको इससे फ़ायदा है। और डेली हमें ये इन चीज़ों का इंटेक रखना चाहिए। तो यहाँ पर बन रही है ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी मिठाई। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने लिए हैं चने, ये छिलकों वाले थे, मैंने इनको सबको साफ़ किया अच्छा सा। बड़ी मेहनत लगी है आपके लिए, ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस लेकर आते हैं, बहुत अच्छे ख्याल आप लोगों के लिए जमा करके लेकर आते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए और आप भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की मिठाई अपने घर वालों के लिए बना सकें। तो यहाँ पर जो है ये चने लिए मैंने, इनको अच्छा सा साफ़ कर लिया है। यहाँ है डेसिकेटेड कोकोनट, ये ले लिया है मैंने। यहाँ पर लिया है मैंने अखरोट, इसको भी, अखरोट की गिरी, इसको भी साफ़ कर लिया है। कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये मखाने हैं, जैसे कि पैरों में दर्द और चक्कर वगैरह, तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। बादाम, इसका भी अपना एक फ़ायदा है। और यहाँ पर लिए मैंने किशमिश, और यहाँ पर लिए मैंने चीनी, इसको मैंने पाउडर शुगर बना लिया है, रेगुलर शुगर थी ये। तो आइए चल के बनाते हैं। बादाम को पीस लेते हैं और अखरोट को पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और उस पर मैं छन्ना रख रही हूँ, स्टेनर, और इसमें इसको मैं, ये पिसा हुआ अखरोट है और बादाम है, इसको मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छा सा हम यहाँ पर स्टैंड कर लेंगे, ताकि मिठाई जो है वो बिल्कुल स्मूथ बने, बड़े बड़े पीसेस जो भी हैं वो मुँह में ना आए और मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई होगी। इस तरह से इसको स्टैंड कर लेंगे और देखें पीछे जो आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ मिक्सचर जो है वो आ रहा है। अब हम इन चनों को और ये जो डेसिकेटेड हमारे पास कोकोनट है, इनको भी पीस लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। चनों को पीस लिया मैंने अच्छा सा खोपरे के साथ, ये देखें कितना अच्छा सा एक स्मूथ जो है वो पाउडर बन गया है। इसको भी हम अच्छा सा स्ट्रेन कर लेंगे और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें बड़े बड़े पीसेस रह गए हैं, तो इसको एक दफ़ा और इसको पीस लेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखें बड़े बड़े पीस हैं, इसको मैं दोबारा से पीसती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पीस लिया, ये देखें इसको भी स्ट्रेन कर लेते हैं। ये सारा हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर, ये इसमें ऐड हो गई। अच्छा, अब मखाने जो रखे थे उनको भी हम पीस लेंगे, ये हैं मखाने, इनको भी बारीक पीस लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने मखानों को भी पीस लिया है और वो, और इसको भी अच्छा सा स्ट्रेन कर लेंगे। इसको भी अच्छा सा हम स्ट्रेन कर लेंगे और अगर मोटे मोटे दाने हैं तो इनको दोबारा पीसेंगे, ताकि मिठाई हमारी बिल्कुल स्मूथ बने। देखिए कितनी हेल्दी मिठाई बन रही है और बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। अब सब सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं। ये बड़े दाने हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम अलग से भी खा सकते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये सारा मिक्स हो गया और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ इसको बाइंड करने के लिए बाइंडिंग एजेंट, और वो मैं ले रही हूँ क्रीम। आप घर में जो क्रीम आपके दूध में बनती है वो भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप, यहाँ पर ले रही हूँ मैं ये मलाई, ये मैंने ऐड कर दी और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और मिला लेंगे,
इसको अच्छा सा बाइंड कर लेना है हमें। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसा मिक्स हो गया है सब चीज़ें, और आटे की तरह जो है वो ये गूंद गया है। और मिठाई ऐसी है कि इसे अब पकाना भी नहीं है, यानी मेहमान आने वाले हैं, आपने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मिक्स की और इसको सेट करके रख दिया, और मेहमानों को जो है वो स्वीट डिश कोई रखनी है तो आपने ये रख। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक केक पैन ले लिया है, आप चाहें तो कोई ट्रे ले सकते हैं, डिश ले सकते हैं, जो आप चाहें जिसमें आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं। अच्छा यहाँ मैंने ये ले लिया, इसको मैंने सारा ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस करने के बाद यानी इसको ऑयली कर लिया है मैंने, अब यहाँ पर मैं ये ऐड करूँगी और इसको मैं फैला दूँगी। हाथ से फैलाना चाहें हाथ से फैला दें, और चम्मच से फैलाना चाहें चम्मच से फैला दें। इसके अंदर हम इसको इस तरह सेट कर देंगे, मिठाई को जितना थिक रखना चाहते हैं, जितना इसके रखना चाहते हैं आप थिकनेस वो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से स्पैचुला से ये देखिए अच्छी से सेट हो जाएगी मिठाई। ये सेट कर देंगे इस तरह से, चाहें तो फैला दें, पतली बनानी है तो, मैं थोड़ा सा थिक रख रही हूँ। और इस पर हम अब डालेंगे ड्राई फ्रूट, कट करके इसके ऊपर सजा देंगे। अब हम बादाम और अखरोट की कतरन जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह से सेट कर देंगे। प्रेस कर देंगे थोड़ा सा ताकि इसके अंदर ये देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और साथ में जो किशमिश रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो भी रख लिया था, वो भी इस पर लगा देंगे, और इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए 2 से 3 घंटों के लिए, अच्छा सा सेट हो जाए फिर इसके पीस करेंगे और इसको इंजॉय करेंगे। तो ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी बनाइए, मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेट करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमारी मिठाई जो है वो तैयार हो गई है, अब इसको हम कट करते हैं। देखिए इस तरह से इसके पीसेस बना लेंगे, छोटे बड़े जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप बना लीजिएगा। देख लें कितनी स्मूथ बनी है, इस तरह से ये हम इसके पीस बना रहे हैं। तो ज़बरदस्त से पीस यहाँ पर तैयार हो गए हैं, मिठाई हमारी रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं आप आराम से इसको निकाल लेंगे हम। इसको निकालते हैं और फिर यहाँ पर सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिठाई बनी है, बहुत सॉफ्ट, खाने में बहुत लजीज, कोई मेहनत नहीं है, झटपट बनने वाली मिठाई है, ज़रूर ज़रूर बनाइए। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। राहत सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।